जन औषधि दिवस पर राज्यसभा सांसद ने परखी अस्पताल की व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन अधिकारियों को दिए निर्देश। खबर औरैया जिले से है, जहां जन औषधि दिवस पर रविवार 7 मार्च को राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने 50 शैया युक्त अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं परखी। इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से भी बातचीत की। इससे पहले जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। रविवार को राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने 50 शैया युक्त जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र पर फीता काट कर उसके कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कर्मचारियों से जानकारी चाही कि यहां पर प्रतिदिन कितने लोग दवाओं को खरीदने के लिए आते हैं। इस पर कर्मचारियों द्वारा उन्हें पूरा विवरण दिया गया। जन औषधि दिवस के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। औरैया में ये तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वो बाहरी मेडिकल स्टोरों से दवाओं को ना खरीद के जन औषधि सेवा केंद्रों से दवाओं को खरीदे, क्योंकि यहां पर सस्ती दवाओं की बिक्री होती है, जबकि वही दवा बाजार में लगभग 4 गुनी कीमत की होती है। इससे पहले राज्यसभा सांसद ने प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के साथ सुना। इस दौरान उन्होंने सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव को अस्पताल की व्यवस्था और अधिक दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव और सीएम लखन सिंह द्वारा राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को बुके भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। जो महंगी दवाइयां खरीदने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को 2018 में उन्होंने शुभारम्भ किया था। आज तीसरा वर्ष है, उसी के तहत प्रति वर्ष प्रधानमंत्री जी इसको उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। आज पूरे देश में सभी जिलों में इस तरीके का आयोजन हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट संवाद किया है। अपनी अपनी लोगों ने बताया कि इस जन औषधि परियोजना से हमें कितना लाभ हुआ है और हमारे पैसे भी बचे हैं, तो उसी के उद्देश्य से आज हम सब लोग भी यहाँ औरैया में एकत्रित हुए हैं। और मेरी अपील भी है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें कि जब अस्पताल में लोग अपने को दिखाने आते हैं और यहाँ जब दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं तो उसको बाहर के लिए लिखा जाता है, तो ये उनसे कहें कि बाहर ना खरीद के यहीं परिसर में जन औषधि केंद्र जो है उसी से खरीदें सस्ते दामों पर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।